कैदियों के शवों की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन, परिवार ने बताया निर्दोष। प्रियंका गांधी का हल्ला बोल, महिलाओं से बोली शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, दिल्ली की तरह एनसीआर को भी कड़े कदम उठाने की जरूरत, सीएक्यूएम ने दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले फेज को मंजूरी, कैबिनेट ने गांवों में 4G टॉवर को लगाने का लिया फैसला। जम्मू में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़ा, आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। चंपावत के देवी धुरा धाम में बहुत खुशी और उल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने अलग अलग परिधानों में झांकी निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान मेले में कुमाऊनी छोलिया नृत्य की प्रस्तुति भी की गई। इस मेले में सभी लोगों में खुशी देखने को मिली, जबकि कोरोना की वजह से देवी धुरा धाम में आज पहला मेला मनाया जा रहा है। इस मेले में सभी भक्त बराही धाम का दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जा रहे हैं, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। लंबित चल रहे संपत्तियों के बंटवारे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों से वार्ता भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि लखनऊ में ही उनका छात्र जीवन बीता है और वहां से जुड़ी कई अनगिनत यादें भी हैं जो आज ताजी होंगी। इस दौरान वो अपने दौरे में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे, साथ ही पार्टी कार्यालय और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। समय लिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और देखते हैं कि इन मुद्दों पर सहमति बनेगी क्या क्या है और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रोग्राम भी बहुत लंबे वक्त का है। हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि वहाँ बचपन बीता है और छात्र जीवन में मैं वहाँ एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, तो सभी लोगों से मिलना है, तो उसमें छात्र। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और साथ ही पगड़ी भी बांधकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी में प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के नेताओं को ये एहसास कराया कि बाजपुर की जनता किस तरह से राजेश कुमार के साथ खड़ी है। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी गोपाल कोछड़, योगराज पासी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। भाजपा की कल्याणकारी योजना से प्रभावित होकर चकराता विधानसभा में लोग लगातार कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चौहान ने पशगांव खत के 17 परिवारों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मधु चौहान ने कहा कि आज भी गांव के लोग सड़क बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से दूर है और विकास से भी वंचित थे। समझ नहीं आता कि कांग्रेस विधायक ने 20 सालों में क्या किया है। भाजपा हमने इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि भाजपा की जो नीतियां है वो बहुत अच्छी है और जो इनका सेंटर में वो सेंटर में बहुत अच्छा काम हो रहा है और राज्य में भी काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। तथा विधान से सभा से हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसा कि आज पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है वो विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनके युवाओं का जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को एक भविष्य माना है कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य और भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार में जो भारत में जो आज की डेट में जो हमारा भारत एक संगठित हुआ है, तो सभी युवाओं का जो आज की डेट में
ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश का भला कर सकती है, विकास कर सकती है और युवाओं के हित की बात कर सकती है। हम लोग सिर्फ अभी तो चलिए चुनाव है 2022 में, लेकिन ये ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ जो पचगाँव खत है, जिसको हम लोग जौनसार बाबर की जेठी खत कहते हैं, वहाँ से 17 परिवारों ने आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और जिसमें से कि 11 परिवार ग्राम गबेला से और 6 परिवार डीडा खेड़ा के जो कि दौधा ग्राम पंचायत में पढ़ते हैं और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। इनकी एक मांग है सड़क की, बल्कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से कि इनके यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली हम लोगों ने पहुँचवाई है, पानी की इनकी समस्या थी, पानी हम लोगों ने पहुँचवाया और जैसा कि कहते हैं कि जो काम करता उसी से लोग उम्मीद करते हैं, उसी उम्मीद के साथ ये लोग आज हमारे पास एक मांग लेकर आए हैं। मैंने इनको मांग पूरी करने का भी आश्वासन दिया। चमोली में भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। कपाट बंद होने से पूर्व पंच पूजा के अंतर्गत आज दूसरे दिन को बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे अलकनंदा नदी और तप्त कुंड के पास पूजा हुई। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ आज दोपहर में शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे कपाट। गौरतलब है कि इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होने हैं। इससे पहले बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं होती हैं। आज भगवान बद्री विशाल मंदिर में भोग लगाने के बाद केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर में भोग के उपरांत आदि ये आदि केदारेश्वर भगवान के कपाट बंद होंगे। परसों खड्ग पुस्तक बंद होंगी और चौथे दिन महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है कि माँ अब 6 माह के लिए आप भगवान के साथ गर्भ गृह में आएंगी और पांचवें दिन फूल श्रृंगार के उपरांत प्रातःकाल भगवान का पहले अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद अशोक भगवान पर किसी प्रकार के भी कोई आभूषण नहीं होंगे, सोने चांदी के हीरे में भी कोई भी आभूषण नहीं होगा, पुष्प श्रृंगार भगवान का होगा। दिव्य पुष्प श्रृंगारों के दिन पर श्रद्धालु लोग भगवान के दर्शन। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यतिस्वार नंद और विशिष्ट अतिथि विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। वहीं विधायक आदेश चौहान ने कहा कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग ब्लॉक के बच्चे आए हुए हैं जो अलग अलग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जो बच्चे पहला स्थान प्राप्त कर रहे हैं उनको इनाम देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। साल के अंत में इतना सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं मिलता था, आज सरकार ने न्याय पंचायत स्तर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाओं को तलाश कर उनको आगे तलाशने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे खेल मंत्री अरविंद पांडे जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रेरणा से उनके कारण इस महाकुंभ के द्वारा आज ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उपभोक्ता भंडार हरिद्वार के तत्कालीन सचिव विजेंद्र सिंह राणा का कहना है कि जांच कमेटी ने बिना मेरा पक्ष जाने मुझे जांच कमेटी के सदस्यों ने आरोपी बना दिया। आगे विजेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जांच कमेटी को हमारा पक्ष भी जानना चाहिए था, लेकिन जांच कमेटी ने हमारा पक्ष जाने बिना हमें दोषी ठहरा दिया। उपभोक्ता भंडार में जाँच हुई है और हमें पता भी नहीं कुछ तक कौन सी जाँच हुई है, इसकी हमें जानकारी नहीं है और बिना हमारा पक्ष जाने ही इसको जो है हमें दोषी ठहरा दिया गया। हम बिना हमारा पक्ष जाने इसमें डीएसटीओ और कोषा अधिकारी इसमें जांच अधिकारी।
नैनीताल के विकास खंड कोटाबाग में एनसीसी प्रवक्ता का पद एक साल से खाली है, जिस वजह से छात्र छात्राओं को एनसीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आधा साल होने वाला है, जबकि छात्रों को जीव विज्ञान की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। इसलिए छात्रों के अंदर काफी आक्रोश था और छात्रों के आंदोलन पर अभिभावक संघ की सहमति पर शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस मौके पर डॉक्टर भावतोष भट्ट के आने से छात्र छात्राओं ने आंदोलन बंद कर दिया और शिक्षक की आने की खुशी जताई। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में जो पिछले एक वर्ष से यहाँ पे जीव विज्ञान प्रवक्ता और एनसीसी प्रभारी का जो पद था वो रिक्त चल रहा था, और उस वजह से जो एनसीसी के यहाँ पे छात्र थे और जीव विज्ञान के छात्र थे उनकी जो पढ़ाई थी वो बाधित हो रही थी, और उसके कारण एनसीसी द्वारा यहाँ पे एनसीसी के छात्रों द्वारा एक अग्र आंदोलन को बाध्य हुए थे एनसीसी के छात्र, क्योंकि उनकी मांग को ना ही कॉलेज प्रशासन सुन रहा था ना ही विभाग उच्च विभाग के कर्मचारी। तो उसके बाद से छात्रों द्वारा और अभिभावक संघ द्वारा एक लिखित पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में प्रभु श्री राम की 63वीं लीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। इस मौके पर रामलीला के प्रमुख दृश्यों की प्रस्तुति की जाएगी। इस मौके पर क्षेत्र विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलीला का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर 51 फुट ऊंचा रावण के पुतले को जलाया गया, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह और कौतूहल देखने को मिला। नरेंद्र नगर की जनता की ओर से इस वर्ष 63वीं रामलीला हमारी नरेंद्र नगर में चल रही है। इस लीला में सभी लोग, सभी पात्र और सभी नरेंद्र नगर के नागरिक हार्दिक बधाई के पात्र हैं, और इस वर्ष 51 फुट का जो रावण का पुतला यहां पे बनाया जा रहा है वो हमारे माननीय श्री सुबोध उनियाल जी और श्री नगर अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार जी के सहयोग से ही यहाँ पे बनाया जा रहा है। सभी पात्र और सभी कलाकार नए हैं और अच्छा अभिनय यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए समस्त नगर क्षेत्र की जनता को हमारा हार्दिक अभिनंदन। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर बैठक हुई। तहसील सभागार नरेंद्र नगर में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी की नेतृत्व में रेल विकास निगम LNT मैक्स और नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी की बैठक आयोजित की गई। रेल लाइन निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर यह बैठक कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी ने की। पूर्व कैबिनेट मंत्री मैथानी ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर समस्याओं के निस्तारण की सार्थक पहल कंपनियों की तरफ से ना की गई तो कांग्रेसी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन चलाया है, और उसमें RVNL और जो कंपनियां हैं इनकी जो ज्यादती पब्लिक पे हुई है उसके खिलाफ हम लोगों ने कर्णप्रयाग से लेकर के और सिवाई से लेकर के और ऋषिकेश तक पूरा मूवमेंट खड़ा किया, क्योंकि गांव वाले बहुत परेशान हैं। RVNL ने ज़मीन का एक्वायरमेंट के बहाने लोगों को नौकरी का झांसा दिया। आयोजित की गई थी SDM साहब के पत्र के अनुसार उन्होंने एक बैठक बुलाई थी कुछ जनप्रतिनिधि, जिसमें मुख्य रूप से माननीय मंत्री प्रसाद मैथानी जी और उनके क्या हिमांशु बिजलवाल जी ये आए थे। जनता के मुद्दे थे उस पर, जो रेल हमारा निर्माण चल रहा है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये निर्बाध रूप से चले, और हमारा निर्माण कार्य जो है वो वैसे तो RVNL और हमारी एजेंसी जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से इसमें काम कर रहे हैं। रेलवे परियोजना में नैनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उन कंपनीज में नैनगर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर एक बैठक आहूत की गई, और उस बैठक में रेलवे अधिकारी और कंपनी के अधिकारियों से वार्ता हुई है। उसमें तय किया गया कि जितने भी अब रोजगार जितने भी कर्मचारियों को उनको जरूरत होगी उसमें नैनगर विधानसभा क्षेत्रों के वासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नहीं देंगे तो फिर हमारे विकल्प खुले हैं, हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।
लंडौरा के जौरासी जबरदस्तपुर गांव में दो दिन पहले लापता युवक का शव घर के पास ही एक कमरे में फंदे से लटका हुआ मिलने पर मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की बात कहते हुए पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शाहरुख की हत्या के बाद हत्यारों ने उसके शव को लटकाया है, जबकि मृतक के भाई का कहना है कि मृतक युवक का एक युवती से बात होती थी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।